ये अपना बोलेरो BS6 का है, इसका भी हम ऑडोमीटर एडजस्टमेंट करेंगे इस टूल से भी एडजस्टमेंट करेंगे इस ऑडोमीटर को, ठीक है। अभी आप बने रहिए इस वीडियो में, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ये कवर खोलना है और करना है। ये अपना BS6 वेरियंट है, और BS6 BS4 मतलब इस टाइप के जितने भी मीटर आते हैं वो सारे इस टूल से हो जाएंगे। अभी आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कितने आसान से भी इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये खुल गया, रेडी हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। हमारे यहाँ पे एक IC दिया हुआ है, ठीक है, और इस IC में सिर्फ हमको इस चिमटी को लगाना है। ये चिमटी है, बस इस चिमटी को हमको ऐसे लगाना है और एडजस्टमेंट करना है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, देखिए प्लीज़ लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बोलेरो का करेंगे, तो कार एंड ट्रक में जाएंगे, और कार एंड ट्रक में जाने के बाद हम जाएंगे हुंडई में। ये अपना हुंडई क्लिक किए, हुंडई में जाने के बाद हम एक बार नीचे करेंगे प्रेस। ये अपना i10 आ गया, ये i10 में क्लिक करेंगे ऐसे। i10 में क्लिक करने के बाद ये चिमटी होता है, चिमटी में ये जो बैगनी कलर का वायर होता है ना, वो एक नंबर का वायर होता है ये। और इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है बिंदी एक छोटा सा, इधर लेफ्ट हैंड में बिंदी एक दिख रहा है, मतलब ये जो अपना बैगनी वाला वायर है ये अपना इस बिंदी के तरफ आएगा और ऐसे जाके लग जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए कैसे करते हैं, ये हमने चिमटी लगा दिया है, और देखिए अभी उधर अभी हम करते हैं। ये चिप नॉट फाउंड, मतलब अभी हमने चिमटी ढंग से नहीं पकड़ पाया है, तो अभी हम फिर से करके दिखाते हैं आप करिए। ये हमने फिर से चिमटी पकड़ चुका है, और अब उधर करते हैं, करिए वो खुल रहा है। ये हमारा चला हुआ है 172,728 किलोमीटर, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं 83,83, वहाँ पे देख रहे होंगे किलोमीटर न्यू में 83,237। अब इसको हम राइट करेंगे, ये चेक राइट वैल्यू 83,237 हमारा हो चुका है। अब राइट करेंगे कंप्लीट, ये हमारा रीड एंड राइट हो गया है। ये हम अब यहाँ से छिपटी हटाएंगे, और ये हमारा कंप्लीट, और कुछ नहीं, बस कवर लगाए ले जाकर सिर्फ सीधा हम फिट कर देंगे गाड़ी में। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।